नमस्कार दोस्तों, कीर्ति ऑफिशियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं बिना मावा के रसगुल्ले या काले जामुन। इसमें हमने एक कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, दूसरी कटोरी में हमने सूजी ली है और एक कटोरी दूध लिया है। दूध की सहायता से हमें इस मिश्रण को हल्के हाथों से गूंथना है और एक चुटकी तक हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, जिससे जो है ये आसानी से फूल जाएंगे। इसके लिए हम जो है इन पाउडर को जो है परात में डाल लेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। बेकिंग पाउडर डालेंगे। इस तरह से बनाए हुए रसगुल्ले भी बिल्कुल मावा का स्वाद देते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा हमने थोड़ा सा डाल लिया है और इसको दूध की सहायता से हम अच्छे से गूंथेंगे। इसको हमें हल्के हाथों से गूंथना है, जिससे कि ये मुलायम रहे। ये रसगुल्ले भी जो है बिल्कुल खोए वाले रसगुल्ले का स्वाद देते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। इसे अच्छे से गूंथ लें। दूसरी तरफ जो है हमारी चाशनी तैयार हो रही है। इसे एक तार का होने तक हम बनाएंगे और इसमें खुशबू के लिए हमने इलायची पाउडर डाला है। और हमारा मिश्रण जो है बस तैयार ही होने वाला है। इसके बाद हम इसकी गोलियां बनाएंगे और कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। और हमारा डो जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसका तेल या चिकनाई की सहायता से हमें इस तरह से गोलियां बना लेनी है और कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। इसमें अच्छे से जो है इसको भुनेंगे। और अब हमने इन गोलियों को तेल में डाल दिया है और इनको अच्छे से सुनहरा होने तक भूनेंगे। फिर इसको तैयार चाशनी में डाल देंगे। इस तरह से बनाए हुए गुलाब जामुन जो है बिल्कुल स्वाद पता नहीं चलता है, बिल्कुल मावे का ही स्वाद देते हैं। बस इनको अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। और हमारे रसगुल्ले जो हैं लगभग तैयार हो चुके हैं। फिर इनको निकाल के थोड़ी देर और भूनना है। फिर इनको निकाल के चाशनी में डालेंगे और रात भर के लिए छोड़ देंगे। ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और हमने रसगुल्लों को सेक कर चाशनी में डाल दिया है और आधे घंटे बाद जो है ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और हमारे रसगुल्ले जो हैं बनकर बिल्कुल तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें।